सर फिरा मतलब मैं अंदर बैठा तो मेरा भी सर फिर गया एक्चुअली मूवी देख के। मूवी का नाम सर फिरा होना नहीं चाहिए था क्योंकि इसका जो एक रीमेक वर्जन था ना, जो मतलब ओरिजिनल बोलो उसको उड़ान सूर्य की, तो मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ पहले, मतलब तो वो देखना ये देखना एक ही बात थी। ऐसा लग रहा था कॉपी पेस्ट है, तो बॉलीवुड वालों की आदत है पहले से कॉपी करो पेस्ट मार दो बस। अगर इसमें अगर देखना है तो अक्षय कुमार की एक्टिंग देखो, काफ़ी अच्छी पोटेंशियल है, काफ़ी मेहनत की है, बाकी तो एकदम सेम टू सेम उठा के डाला है और कुछ नहीं। ओटीटी का ज़माना है और इजीली इसके हिंदी डब मिल जाते थे, तो आपको लगता है कि ज़रूरत थी इस फिल्म को बनाने की? अभी देखो ज़रूरत तो किसी चीज़ की नहीं रहती, पर अक्षय कुमार का कैसा है ना, वो रीमेक किंग है, अभी हर मूवी को मतलब रीमेक करना उसकी आदत हो गई है। पूजा एंटरटेनमेंट को तो उसने बिठा दिया घर पे, अभी इन लोग की भी बारी है लाइन से, तो भाई अक्षय कुमार को यही बोलूँगा साल में एक दो बार आओ, हर हफ्ते क्या मेहमान की तरह आ जाते हो। अभी नेक्स्ट वीक फिर नेक्स्ट मंथ उनकी फिर से मूवी है। अगर आपको सजेशन देना हो ये फिल्म की देखनी चाहिए ऑडियंस को, तो क्या? जिसका दिमाग खराब है उसको देखनी चाहिए फिल्म एक्चुअली, क्योंकि मैं वही बोलूँगा यार, मतलब अभी पूरा टोटल ना साउथ इंडस्ट्री चल रहा है, और आप अभी रिसेंटली देखो साथ में इंडियन 2 का क्लैश हुआ है, तो इंडियन 2 कितने अच्छे मतलब टॉपिक पे बनी है कि देश में जो करप्शन चल रहा है ना उसके ऊपर बेस है। फिर एक ऐसी मूवी लाना कि भाई 1 रुपये में आम आदमी भी मतलब सवारी कर रही है, तो मतलब वही बात हो गई गधा ना घोड़ा चल मेरे साथ, वही सीन हो गया, तो कुछ समझ में नहीं आता। ऑलरेडी देखी हुई मूवी है ना यार फायर डॉग, मैं इस मूवी को दूंगा 2.5 सिर्फ अक्षय कुमार की एक्टिंग की वजह से, क्योंकि एक्टिंग अच्छी की उसने एक्चुअली। थैंक यू सो मच। इससे पहले मैं रिव्यू दूँ, मेरा नाम है डॉक्टर राजेश सगेरा और मैंने मूवी देखी सर फिरा। मुझे सर फिरा मूवी बहुत पसंद आई, ये अक्षय कुमार की 150वीं फिल्म है, तो मैं उन्हें बधाई देना चाहूँगा, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर 150th मूवी। मूवी तमिल मूवी सूर्यरई पुत्रु का रीमेक है और स्टोरी और डायरेक्शन बहुत अच्छा है सुधा कुंगारा का, उसके साथ साथ मुझे अक्षय कुमार की एज ऑलवेज एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, इज़ अ फिनोमिनल एक्टर। बहुत ही सोशली रेलिवेंट और थॉट प्रोवोकिंग की मूवी बनाई है कि एक लो कॉस्ट एयरलाइन बनाना चाहते हैं और उन्हें किस तरह की अड़चने आती हैं, किस तरह के हर्डल्स एंड हिंड्रेंसेस आते हैं और किस तरह वो डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करते हैं, पॉलिटिक्स होता है, मैनिपुलेशन होता है, फंडिंग नहीं मिलती, लेकिन वो सबको उभर कर वो ऊपर आते हैं और ये एयरलाइन आते हैं और एक आम आदमी जो एयरलाइन अफोर्ड कर पाती है। स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी, बेस्ड ऑन रियल लाइफ स्टोरी। इसकी सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है निकेत मूवी रेटी की, एडिटिंग शार्प है, 2.5 घंटे की मूवी कहीं आप बोलेंगे, फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो पेस्ट पर सेकेंड हाफ पिक्स अप एंड इट्स वंडरफुल, और क्लाइमैक्स आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, बहुत ही अच्छा क्लाइमैक्स है। तो जो सतीश सूर्या इसके एडिटर हैं उनको मैं बोलना चाहूँगा, म्यूज़िक भी ठीक ठाक है प्रकाश कुमार का, तनिष्क बागची और सुमित का, तो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ मस्ट वॉच, हर किसी को ये मूवी देखनी चाहिए और आई वुड अपील एवरीवन कि आज वेरी फ्यू पीपल टर्न्ड अप शायद बरसात की वजह से, बट ये मूवी देखिए और आप बहुत पसंद करेंगे। मूवी बहुत ही कम ऑक्यूपेंसी थी, हार्डली 10%, बट मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत अच्छी मूवी है, क्रिटिक्स रिव्यू और वर्ड ऑफ माउथ से ये लोगों को पसंद आएगी। अभी कालकी के शोज कैंसिल होने लगे हैं तो किल मूवी भी लोगों को पसंद आ रही है, तो ये मूवी लोगों को देखनी चाहिए और मैं स्ट्रॉन्गली इसको रिकमेंड करूँगा। सिर्फ राधिका मदन मुझे लगता है उनकी जगह कोई और एक्ट्रेस होती, बाकी मूवी के सभी एलिमेंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ही इंस्पायरिंग, मोटिवेशनल, थॉट प्रोवोकिंग, सोशल रिलेवेंट मूवी है, तो मैं 4 स्टार्स दूंगा। थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया, बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है, बहुत अच्छा लगा। अक्षय कुमार सर तो मैंने उनके साथ काम किया, उनका जो अपकमिंग मूवी है क्रिएट की, एक छोटा सा कैरेक्टर है एक लेडी का, तो मतलब क्या बोलूँ, क्योंकि जब भी अक्षय कुमार सर का नाम आता है ना तो लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनका हेरा फेरी खिलाड़ी, तो वहाँ से उनका जो जर्नी स्टार्ट होता है, तो नो डाउट कि अक्षय कुमार का नाम लेते सब खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर कॉमेडी भी कर लेते हैं, वो रोमांस भी कर लेते हैं, थोड़ा क्या बोलते हैं विलन टाइप का भी कैरेक्टर कर लेते हैं, तो बहुत बढ़िया। फिल्म में सबसे अच्छी एक्टिंग किसकी लगी आपको? नो डाउट अक्षय कुमार सर का। मैम कितने पब्लिक थे तो आप देखने गए थे, तो कितने लोग? ऑलमोस्ट मैं जब गई थी तो थोड़ा फुल था, मैम ऑलरेडी ये एक बोलते हैं ना कि ऑलरेडी एक फिल्म बन चुकी है साउथ की फिल्म में से है और उसका रीमेक किया गया है, OTT के दौर में हिंदी फिल्म का डब कर लेते हैं, तो आपको लगता है ये फिल्म चलेगी?
एक्चुअली देखो चलने ना चलने की ये बात होता है कि बाई लक बाई चांस होता है, क्योंकि कमर्शियली ये आज के डेट में बोलना बहुत मुश्किल है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ पिक्चर में कुछ है भी नहीं बट वो कमर्शियली बहुत गेन करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, तो बट ये नहीं बोल सकते कि बट हाँ आप एक्टिंग देखो कैसे एक्ट किया कि मैसेज क्या जा रहा पब्लिक हम तक क्या मैसेज है, ये मैं नोटिस करती हूँ कि उनका एक्टिंग पब्लिक को मैसेज क्या जा रहा है। आप कमर्शियली देखोगे तो ये थोड़ा सा मुझे मैं उस हिसाब से नहीं देखती एज एन एक्टर एज एन पब्लिक मैं वो नहीं देखती। देखिए मुझे अच्छा लगा इस सबके बारे में मैं नहीं बोल सकती किसको कैसा लगेगा क्योंकि हर किसी का मेंटेलिटी अलग होता है, चॉइस अलग अलग होता है। कोई अक्षय कुमार पसंद करते हैं, कोई सलमान, कोई शाहरुख, तो मैं सर को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, उनके साथ मैंने काम भी किया है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बोलूँगी कि इसमें मैं 10 में से 8 देना चाहूँगी। और अभी मैं ऑडियंस क्यों ये इसलिए देखना चाहिए कि हर मूवी में कुछ ना कुछ सीखने के बहुत कुछ रहते हैं। आप मूवी देखोगे एक थिएटर में जब आप मूवी देखते हो तो वो आपको पूरा पता चलता है, जो मोबाइल पे देख के नहीं पता चलता है। बड़े स्क्रीन में देखोगे तो हर छोटे छोटे बेड्स आपको एकदम उनका जो फ्रेम एज एन एक्टर मैं जब वो देखती हूँ ना तो मुझे वो फील आता है यार मैं काम तो मैं इस हिसाब से इंजॉय करती हूँ। कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? 5 out of 5 कैसी लगी सर फिल्म? आप सभी आइए देखिए एंजॉय कीजिए। परफॉर्मेंस कैसी लगी अक्षय की राधिका? देखिए मैं तो अक्षय कुमार सर की बहुत बड़ी फैन तो ऑब्वियसली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। वो एक बहुत अच्छे एक्टर हैं तो राधिका मदान की एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, उनकी एक्शन सब कुछ अच्छा है। तो आप आइए देखिए अक्षय के साथ पहले उन दोनों की जोड़ी तो बिल्कुल मेरी फेवरेट है। जैसे कि मैं तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है उन दोनों जब एक साथ आते हैं तो एकदम। रिमिक्स है और डू यू थिंक दैट कि OTT का ज़माना है, इसका हिंदी डब तो इजीली मिल जाता था, तो ज़रूरत थी इस फिल्म को लाने की? हाँ, क्योंकि हर एक्टर की अपनी अपनी एक खूबी होती है। जैसे रीमेक था उन्होंने एक तरीके से किया है, अक्षय कुमार सर अपनी अदा से एक तरीके से और आप सबको वो अपना एंटरटेन करेंगे तो ज़रूर, उसमें कोई गलत बात नहीं है। आपके अकॉर्डिंग क्यों देखनी चाहिए ऑडियंस को ये फिल्म? अक्षय कुमार सर, इससे बड़ा रीज़न आपको कुछ चाहिए? और उसकी स्टोरी सब कुछ बहुत, और ये एक नेशनल विनिंग अवार्ड विनिंग फिल्म का रीमेक है तो ज़रूर अच्छी मूवी देखनी चाहिए। आई रेटेड 4। थैंक यू सो मच।